वेलकम टू द लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ एसर एस्पायर 7. रिव्यू नहीं, लॉन्ग टर्म रिव्यू. तो ये रहा एसर एस्पायर 7, ठीक है, और ये रहा अमेज़न का पेज. बट लॉन्ग टर्म रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि यहां पर हम परफॉर्मेंस, स्पेक, बेंचमार्क्स कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए भाई रिव्यू बना रखा है. रिव्यू पे जाना, सब मिल जाएगा. तो सबसे पहले इस लैपटॉप की एक बार स्पेक बता देता हूं तुम लोगों को. तो i5 12 जेन के साथ आता है, 8GB और 16GB रैम दोनों वेरिएंट आते हैं, 512GB की SSD है, GTX 1650 और RTX 3050 दोनों वेरिएंट आते हैं, विंडोज 11 है और प्राइस 55,000 से लेके 70,000 तक वेरी कर जाता है. Amazon, Flipkart दोनों पे लैपटॉप अवेलेबल है. तो जो लोग पहली बार हमारी इस वीडियो पे आए, उन लोगों को बताता हूँ कि इस वीडियो में हम 5 पार्ट कवर करेंगे. पहला है किस टारगेट सेगमेंट के लिए लैपटॉप है, दूसरा क्या अच्छी चीजें हैं, तीसरा क्या बुरी चीजें हैं, चौथा Amazon या Flipkart पे रिव्यूज में क्या क्या लग रहा है तुम लोगों को, एंड पांचवा मुझे क्या लगता है इस लैपटॉप के बारे में. तो शुरू करते हैं पहली चीज के साथ, विच इज ऑब्जेक्टिव. तो एसर ने ये लैपटॉप प्राइमरीली बनाया तुम्हारा एवरीडे यूजर्स के लिए एंड जिनको गेमिंग भी करनी है. तो ये सबसे सस्ता गेमिंग लैपटॉप है, प्रॉपर वाला, ठीक है. एंट्री लेवल गेमिंग है तो बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें एक्सपेक्ट मत करना, रे ट्रेसिंग, DLSS वो सारी चीजें ये नहीं देता. बट हाँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें बढ़िया वाले गेम सस्ते प्राइस पे करवा दे या फिर गेमिंग एनवायरनमेंट में घुसवा दे. तो जो लेटेस्ट गेम्स आ रहे हैं ना, सारे के सारे, वो लगभग लगभग इसमें सारे चल जाते हैं. तो फिर अब अगर तुम्हें पता चल गया कि ये लैपटॉप किन लोगों के लिए बना है, तो भाई दूसरी चीज विच इज एक्सपीरियंस या फिर अच्छा पार्ट क्या है इस लैपटॉप का. तो डिजाइन से शुरू करते हैं भाई. प्लास्टिक की बॉडी में आता है और देखो डिजाइन इज ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं. पीछे फैन है, आगे बॉडी है, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी तुम्हें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी. दूसरी चीज है रैम. तो 8GB 16GB दोनों वेरिएंट आते हैं, अपग्रेडेबल है 32GB तक, तो रैम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद इस लैपटॉप को तुम एक हाथ से खोल सकते हो, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज लगती है ना. बट अगर मैं उस चीज को भी छोड़ दूं, तो भाई जी इस लैपटॉप में जितने भी पोर्ट्स हैं सारे के सारे हैं, टाइप सी, टाइप ए, लैन पोर्ट, मतलब सब कुछ मिल जाएगा माइक्रो एसडी कार्ड छोड़ के, एंड आई बिलीव तुमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज ये है कि इस लैपटॉप में भाई फिंगरप्रिंट रीडर आ रहा है. कैन यू बिलीव दैट? कौन आजकल तुम्हें इस बजट में फिंगरप्रिंट रीडर देगा, बट इन लोगों ने दिया है. बाकी इसकी एक और बहुत ही बढ़िया चीज लगती है, वो है 1 ईयर की इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वारंटी. यानी कि 1 साल तक कहीं पर भी लैपटॉप खराब होगा वर्ल्ड में, शोरूम में जाना ठीक कर देंगे, और इंडिया में कहीं पर भी खराब होगा तो भाई घर पे आके ठीक कर देंगे, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है. और देखो जिस चीज के तुम इस लैपटॉप को लोगे, वो है गेमिंग लैपटॉप. नाम से पता चल रहा है गेम खेलनी है तुम्हें इसमें, तभी तुम इसको ले रहे हो प्राइमरीली, ठीक है. तो हाँ, सारे गेम्स में चल जाएंगे बट लो सेटिंग्स पे. तो इसके साथ चलते हैं हमारे इशू नंबर 1 पे, जो कि अगेन गेमिंग ही है. तो हाँ, इस लैपटॉप में सारे गेम चल जाएंगे बट सारे के सारे नहीं चलेंगे. जैसे कि लास्ट ऑफ अस लेटेस्ट गेम आया है अभी अभी, और भाई वो इसमें हैंग कर रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं गेम ग्लिची है, गेम में बग्स हैं, इसलिए नहीं चल रहा है. बट अगर तुम्हारे पास 6GB की वी रैम होगी तो उसमें चल जाएगा, 4GB की वी रैम में वो गेम नहीं चलता, और जो चलता है भाई बहुत अटक अटक के चलता है. तो हाँ, अगर तुम लोग बिल्कुल लेटेस्ट गेम लेने वाले हो, बहुत हाई एंड जो लॉन्च हो रहे हैं अभी जस्ट, तो कुछ गेम्स चल जाएंगे, कुछ गेम्स नहीं चल जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है. और हाँ, बाकी बात रही पुरानी गेम्स की, तो भाई वो तो सारे चल जाएंगे. GTA 5, Assassin's Creed, Shadow of Tomb Raider, RDR2, कोई ऐसा गेम नहीं है जो इसमें नहीं चलेगा, सारे के सारे मगर चलेंगे लो सेटिंग्स पे. GTA 5 2013 गेम है तो वो हाई पे चल जाएगा, बट RDR2, Assassin's Creed ये सारे लो पे ही चलेंगे, ठीक है. तो ये चीज़ अभी बता देना चाह रहा हूँ, चलते हैं गेम सारे नहीं चलते हैं, हैवी वाले सारे के सारे लो सेटिंग्स पे ही चलते हैं, ठीक है. बट अगेन, दिस इज नॉट अ गेमिंग लैपटॉप पर से, दिस इज मोर लाइक अ हाइब्रिड, और ये एक एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप है, तो इस चीज को भूलना मत. फिर नेक्स्ट पार्ट इज यार प्रोसेसर. ये बेनिफिट में भी ले सकता हूं मैं, बट मैंने इशू में ले लिया. ये लैपटॉप आता है 1240 के प्रोसेसर के साथ, i5 12 जेन, बट ये वाला वीक है तुम्हारा 1 to 5100H से, यानी कि प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप जो आता है i5 12 जेन का, उससे ये वीक है. बट जो प्रॉपर अल्ट्राबुक आता है ना 1235U, उससे ये फास्ट है. तो ये एक बीच का ऑल्टरनेटिव है, फास्टेस्ट i5 12 जेन नहीं है, स्लोएस्ट i5 12 जेन नहीं है, बीच वाला ऑप्शन. तो हाँ, बाकी कॉल तुम्हारी है, एक बार मैं रिव्यू देख लेना, उस पर मैंने सारे के सारे गेमिंग टेस्ट और सारे के सारे सॉफ्टवेयर चला के तुम्हें दिखाया है प्रॉपर, तो हाँ उसको चेक कर लेना. बाकी देखो, एक और इश्यू इस लैपटॉप की बिल्ड में है, वो है ये लैपटॉप ना 180 डिग्री नहीं है, इतना ही खुलता है, ठीक है. कुछ लोगों को इशू लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, मेरा काम है, मैं रिव्यूअर हूँ, तो मैंने तुम लोगों को भी बता दिया.
फिर इसके बाद इस लैपटॉप में भाई एमएस ऑफिस नहीं आता है, और यूजुअली कंपनी क्या करती है गेमिंग लैपटॉप के साथ एक एक्सबॉक्स गेम पास की सब्सक्रिप्शन देती है, एक महीने की, कुछ कंपनी तीन महीने की देती है, इसमें कुछ नहीं मिलता है। तो बाकी एक और पॉइंट है जो काफी लोगों के लिए मैटर कर सकता है, वो है साउंड क्वालिटी। तो भाई स्पीकर इसके वाव नहीं है, एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज बोलूंगा मैं, ठीक है। बट ज्यादातर लोग हेडफोन लगा के चलाएंगे, एक्सटर्नल ले लेना, देखो इट्स अ ट्रेड ऑफ, हर चीज नहीं मिल सकती तुम्हें। तो हाँ, अगर तुम्हें स्पेक भी चाहिए और परफॉर्मेंस भी चाहिए और प्रोसेसर भी चाहिए और ग्राफिक कार्ड भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, तो भाई ये तुम्हें देना पड़ेगा। फिर देखो एक और चीज भी है जो काफी लोग इग्नोर कर देंगे, वो है प्राइवेसी शटर। तो कैमरा में प्राइवेसी शटर नहीं है, फर्क कुछ नहीं पड़ता मुझे, बट देखो अगेन सेम वही चीज है, 10 रुपए की एक्सेसरी काम कर देगी तो लगा लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा पॉइंट भाई बैटरी लाइफ का क्या सीन है। तो देखो गेमिंग लैपटॉप में बैटरी लाइफ नहीं आती है, आज ही याद कर लेना ये पॉइंट। तो अगर तुम्हें पावर चाहिए तो बैटरी मत मांगो, और बैटरी चाहिए तो पावर मत मांगो, या फिर पैसे ज्यादा दो, ठीक है। 50,000 रुपये दोनों चीजें तो तुम्हें नहीं मिलेंगी। तो इस लैपटॉप की यार बैटरी लाइफ तुम्हें 4 से 5 घंटे मिल जाएगी, अच्छे से चलाओगे और पावर सेवर ऑन रखोगे, ब्राइटनेस कम रखोगे, तो 6 घंटे तक भी दे देगा। बाकी अगर तुम लोगों को ऐसा ही हाई वैल्यू कंटेंट एनालिसिस के साथ चाहिए तो भाई नीचे कमेंट में थैंक यू जरूर बोलना भाई को, ठीक है। बाकी अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला है अमेजन एनालिसिस। तो एक बार अमेजन फ्लिपकार्ट देखते हैं और चेक करते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो देखो सबसे पहले फ्लिपकार्ट खोल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सीधा ही ना नेगेटिव फर्स्ट कर दिया, तो सारे नेगेटिव वाले ही दिखने हैं। अब तुम एवरेज 4.3 की रेटिंग है, तो यानी कि काफी अच्छा लैपटॉप है, बट सीधा इस पे चलते हैं। तो देखो ये तो फ्लिपकार्ट की सर्विस का इशू है, नॉट एज एक्सपेक्टेड फ्लिकरिंग इशू, ये भी हार्डवेयर इशू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाई फैन स्पीड, नहीं फैन स्पीड ज़्यादा हाई नहीं है, बस ये लोगों को लग रहा है ज़्यादा है। गेम खेलते टाइम भाई बढ़िया सा बढ़िया लैपटॉप की आवाज़ आएगी तुम्हें, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट इज बैटरी लाइफ इज एवरेज। तो हाँ बैटरी लाइफ एवरेज है, 4 से 5 घंटा एवरेज ही होती है, वाओ तो नहीं कह सकते, बट अगर तुम्हें अल्ट्रा बुक लोगे तो इससे ज़्यादा मिलेगी, और प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप आइडिया पैड एचपी पवेलियन पे जाओगे तो इससे कम होगी, तो कॉल इज योर्स। फिर डिस्प्ले इज ऑल्सो एवरेज बट परफॉर्मेंस इज गुड, होनी ही थी, डिस्प्ले भी एवरेज ही है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, पता ही है तो हमें। कीबोर्ड नॉट फंक्शनिंग, ये हार्डवेयर इशू है, ठीक है। स्पीकर आर वर्स्ट, माय फोन हैज गुड साउंड मोर देन लैपटॉप। देखो ये तो मैं बता ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड नहीं है, एवरेज साउंड है और बिलो एवरेज साउंड है, तो यहाँ पे तुम लोग देख लेना, ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि लैपटॉप घर ले आओगे और रोओगे कि भाई आवाज़ ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बाकी एक बार हम लोग पॉजिटिव भी देख लेते हैं, तो भाई लोगों ने तारीफ भी कर रखी है काफ़ी सारी, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख रहे हो काफ़ी अच्छा है जो लोग बोल रहे हैं। बैटरी लाइफ जिन जिन में लिखा हुआ है ना कि एक घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रही है, यूजुअली या तो फुल टाइम चार्ज नहीं हुआ होता, या फिर कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग इशू भी हो जाता है, तो उस केस में लैपटॉप रिप्लेस हो जाते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत लैपटॉप रिप्लेस होते हैं, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग इशू है, किसी भी लैपटॉप के साथ हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटा तुम नॉर्मल यूज में बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, गेमिंग में नहीं। गेमिंग में भाई तुम्हें 1 से 2 घंटे मिलेगी, बट मैं रिकमेंड नहीं करता गेमिंग में। तो हाँ गेमिंग में कभी भी बैटरी पे गेम मत खेलना, उससे तुम्हारी बैटरी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होगी, इनफैक्ट बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगी और बैटरी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो हमेशा जब भी गेम खेलना हो पावर ऑन करके पावर प्लग कॉर्ड लगाकर ही खेलना, ठीक है, मेन सप्लाई पे, बैटरी पे कभी मत खेलना। तो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की कि तुमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वेल दिस इज अ ग्रेट लैपटॉप, बहुत ही सही है, प्राइस तो और भी बढ़िया है, एंड अच्छी बात ये अपग्रेडेबल है, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर तुम लोग एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो भाई इसको ले सकते हो, बहुत अच्छा है, बैटरी लाइफ काफी गेमिंग लैपटॉप से बेटर है इसकी। बट हाँ अगर तुम लोग अल्ट्रा बुक देख रहे हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, बट हाँ गेमिंग में इसमें 95% तुम्हारे सारे गेम चल जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट बिकॉज ये वीक हो गया, बट आजकल जो गेम आ रहे हैं ना यार वो थोड़े हैवी आने शुरू हो गए हैं, स्पेशली जो पोर्ट्स आ रही हैं, जो PS5 के गेम PC में पोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नेटिव बन रहे हैं इसमें वो सारे के सारे बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। बस एक ही गेम मिला है मुझे आज तक 4GB की ग्राफिक कार्ड में नहीं चला, वो है लास्ट ऑफ अस, बाकी सारे गेम चल गए। बाकी तुम्हें अभी भी कोई डाउट हो तो यार कमेंट में पूछ सकते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।